नमस्कार, मैं हूँ नवरात्रि ऐश्वर्या। ग्रैंड एसी न्यूज के इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम क्या कहते हैं सितारे में आपका स्वागत है। दर्शकों, राशिफल हमें अपने भविष्य के बारे में न केवल जानकारी प्रदान करता है, अभी तो ग्रह नक्षत्रों की दशा दिशा एवं चाल को जानकर उनके अनुसार उपाय कर व्यक्ति अपने दिनचर्या तथा जीवन को सरल एवं सुगम बना सकता है। और तो और, केवल कुछ आसान से उपाय कर हम अपने भविष्य में बड़े बदलाव भी ला सकते हैं। अतः आप अपना साप्ताहिक राशिफल एवं हर राशि के अंत में राशि अनुसार सप्ताह को शुभ बनाने के उपाय जानने के लिए हमारे इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहें। चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं राशिफल की ओर। दर्शकों, ध्यान रखें, इस हफ्ते का यह राशिफल 2 नवंबर से 8 नवंबर तक के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, अक्टूबर का यह पहला सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा। सभी काम समय में पूरा होने के योग बनते नजर आ रहे हैं, किंतु एक बात का ध्यान रखें, कोई व्यक्ति आपको अपने उद्देश्य से भटका सकता है, किंतु आप फोकस्ड रहे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परिवार में माहौल सामंजस्यपूर्ण रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, भूमि संपत्ति के काम संपन्न होंगे, करियर को किसी की मदद से ग्रोथ मिल सकती है, प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत पेड़ पौधों में जल डालकर करें। आपके लिए शुभ अंक 5 और शुभ रंग लाल रहेगा। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि, इस सप्ताह आपकी आर्थिक कठिनाइयां दूर होती चली जाएंगी, अटके हुए काम पूरे हो जाने से मन प्रसन्न रहेगा, भूमि संपत्ति के कार्यों में जरूरत से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आय के एक से अधिक माध्यम प्राप्त रहेंगे। इस सप्ताह आपको नया निवेश करने से बचना होगा, नौकरी पेशा को उन्नति मिलेगी, व्यापारी वर्ग का कार्य उत्तम होगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, दांपत्य का टकराव दूर होगा। आपके लिए शुभ अंक 9 और शुभ रंग पीला रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत किसी भी गरीब को किसी भी प्रकार की सहायता करके कर सकते हैं। अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि, आपके लिए यह सप्ताह थोड़ा भाग दौड़ भरा रह सकता है, संतान पक्ष को लेकर चिंता रह सकती है, धन के आगमन के मार्ग खुलेंगे, परिवार में माहौल सुखद रहेगा, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त रहेगा, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, विद्यार्थी वर्ग को परीक्षाओं में सफलता नए अवसर प्राप्त होंगे, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, युवाओं को नौकरी के संबंध में सकारात्मक सूचना मिलेगी, अविवाहितों के विवाह की बात बन सकती है। आपके लिए शुभ अंक 2 और शुभ रंग काला रहेगा। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत पीपल के वृक्ष में काले तिल और जल अर्पित करके करें। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि, आपके लिए पारिवारिक रूप से सप्ताह बहुत ठीक नहीं कहा जा सकता, परिवार में किसी के साथ विवाद हो सकता है, भाई बहनों के साथ मन मुटाव भी हो सकता है, भूमि भवन वाहन के काम इस सप्ताह नहीं हो पाएंगे, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, खर्च की अधिकता भी रहेगी, दौड़ भाग के साथ कार्य पूरे करने होंगे, नौकरी पेशा को बदलाव के साथ कुछ राहत रहेगी, व्यापारी वर्ग नए काम साथ में जोड़ कर सकते है, प्रेम संबंधों में बहस से बचे। आपके लिए शुभ अंक 2 और शुभ रंग सफेद रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत दही शक्कर खाकर करें। अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि, आपके लिए यह सप्ताह शुभ प्रद रहेगा, परिवार में मांगलिक कार्य प्रसंग हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं होने के योग बनते नजर आ रहे हैं, धन का आगमन होते रहेगा, पुराने निवेश लाभ देंगे, नया निवेश भी करेंगे, भागदौड़ से कुछ राहत रहेगी और मानसिक शांति का अनुभव करेंगे, नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है, व्यापारी कार्य विस्तार से लाभ होगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, खान पान का ध्यान रखें, पैसा उधार देने से बचें। आपके लिए शुभ अंक 7 और शुभ रंग गुलाबी रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत किसी जरूरतमंद को भोजन खिलाकर करते। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि, आपके लिए यह सप्ताह उन्नतिदायक रहने वाला है, नए कार्यों की रूपरेखा बनेगी, नौकरी पेशा के कार्य और जिम्मेदारियों में बदलाव संभव है, नए कार्य प्रारंभ करने के लिए सप्ताह शुभ है, आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, निवेश से लाभ अर्जित करेंगे, आर्थिक संकट कम होता चला जाएगा, नए वाहन और संपत्ति खरीदने के योग बनते नजर आ रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, दाम्पत्य जीवन
जीवन सुखद रहेगा। युवाओं को नए करियर ऑप्शन मिल सकते हैं। आपके लिए शुभ अंक 3 और शुभ रंग कत्थई रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत धार्मिक स्थल पर जाकर करें। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, आपको इस सप्ताह थोड़ी भाग दौड़ कम करनी होगी। मान सम्मान और पद में वृद्धि हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संकट कम होता चले जाएगा। आजीविका के नए साधन मिल सकते हैं। किसी क्षेत्र विशेष से सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति सुखद रहेगी। भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों में वृद्धि हो सकती है। इस सप्ताह स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। करियर को ग्रोथ मिलने वाली है। आपके लिए शुभ अंक 6 और शुभ रंग भूरा रहेगा। आप सप्ताह की शुरुआत भक्ति भजन सुनकर करें। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, आपका यह सप्ताह शानदार बीतने वाला है और आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। किसी पुराने कोर्ट केस में राहत मिलेगी। भाग्य को बल मिलेगा तो संपत्ति में वृद्धि होगी। परिवार का माहौल सुखद रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी पेशा को उच्च अधिकारियों की ओर से सहयोग मिलेगा। नए कार्य प्रारंभ करने के लिए सप्ताह शुभ है। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 4 और शुभ रंग संतरी रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत शिवलिंग पर जल अर्पित करके करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि, यह आपका सप्ताह शुभ रहेगा। लंबे समय से जिन अवसरों की प्रतीक्षा आप कर रहे थे वे मिलने वाले हैं। अटके हुए काम और फंसा हुआ धन दोनों लौट आएंगे। जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई या जॉब का सपना देख रहे हैं उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। नए काम शुरू करें, लाभ होगा। अविवाहितों के विवाह की बात बन सकती है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सहयोग आपको हर तरह से मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए शुभ अंक 1 और शुभ रंग लाल रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत 11 बार गायत्री मंत्र का पाठ करके करें। चलिए चलते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि, आपके लिए यह सप्ताह शुभ है। आर्थिक मामलों का निराकरण होगा। बाहरी और पारिवारिक जीवन में चल रही अनबन दूर होती रहेगी। नए काम की रूपरेखा बनेगी और उसे धरातल पर उतारने में आप सफल भी हो जाएंगे। करियर और जीवन को गति मिलेगी। प्रेम संबंध मजबूती की ओर अग्रसर होंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। संकट टल जाएगा। आपके लिए शुभ अंक 6 और शुभ रंग गुलाबी रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत चंद्रदेव को दूध मिश्रित जल अर्पित करके कर सकते हैं। अब बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि, सप्ताह आलस छोड़कर अपने काम करने की ओर प्रवृत्त हो। काम में मन नहीं लगने का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि परिवार का पूरा सहयोग रहेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे। आर्थिक मामलों का निपटारा होगा। मित्रों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। रोगों पर हो रहे खर्चे में कमी भी आएगी। युवाओं को करियर के नए नए विकल्प मिलने वाले हैं। आपके लिए शुभ अंक 2 और शुभ रंग पीला रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत इलायची खाकर करें। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। मीन राशि, इस सप्ताह अपने संबंधों पर ध्यान दें। योजनाओं को मूर्त रूप देने का समय है। आर्थिक मजबूती की ओर अग्रसर होंगे। नए काम शुरू करने में लाभ में रहेंगे। भूमि भवन वाहन संपत्ति नए वाहन की भी प्राप्ति हो सकती है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। अविवाहितों के विवाह की बात पक्की हो सकती है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। खर्च में कमी आएगी। मित्रों के साथ यात्रा करेंगे। आपके लिए शुभ अंक 3 और शुभ रंग हरा रहेगा। आप इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत सूर्य देवता को जल डालकर करें। अतः दर्शकों, इसी तरह हमारा ये खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल देखने के लिए ग्रैंड एशिया न्यूज पर हर हफ्ते बने रहिए। अब तक के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।